शहीद बाबा दीप सिंह जी धर्म लई आपा कुर्बान करने वाले महान शहीद बाबा दीप सिंह जी। शहीदों की कतलगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। सिखी अंदर शहीदी का उच्चा स्थान है, शहादत दे संकल्प दा मुख तुरा धर्म है। गुरु साहिबान ते सिखां लई ईमान ही जान ते आन है, अते दीन दुनिया तो ज्यादा प्यारा है। जेड़ा भी अपने धर्म लई शहीद हुंदा है, आपा कुर्बान करदा है, उस उपर किसे एक देश जा कौम दा हक नहीं हुंदा, उस समुची मनुखता दा शहीद परवानिया जांदा है। इना महान सूरबीरां विचों ही एक सन बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां नूं शहीद नाम नाल सत्कारिया अते जानिया जांदा है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 नूं माता जीवनी जी की कुखों पिता भगता जी दे ग्रह विखे पिंड पहुविंड विखे होया। माता पिता ने बालक का नाम दीपा रख्या। थोड़ी सुरत संभालने तो बाद यह नौजवान अवस्था विच विचरद्यां बालक दीपा सतगुरां दे पावन स्थान श्री आनंदपुर साहिब विखे दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पावन चरणां विच जा हाजर होया। इत्थे ही सतगुरां दे पवित्र कर कमलां राहीं नौजवान दीपे ने अमृत की दात प्राप्त की। अमृत की दात प्राप्त करन तो बाद आप जी का नाम दीप सिंह रख्या गया। आपने श्री आनंदपुर साहिब के अंदर रहिंदिया भाई मनी सिंह जी की देखरेख हेठ पवित्र धार्मिक ग्रंथां ते गुरबाणी का डूंगा अध्ययन किया। आप हमेशा पावन बाणी के पाठ भजन बंदगी विच मस्त रहिंदे सन। आप शरीर के सुडैल अते दृढ़ इरादे वाले धार्मिक बिरती वाले पुरश सन। 22 साल की उम्र विच ही बाबा दीप सिंह एक सियाने विद्वान ते सूरबीर सैनिक बन गए। एक पासे तां आप सिख संगत अंदर पावन गुरबाणी का ज्ञान करवाउंदे अते गुरु जी के आदेश अनुसार खंडे बाटे का अमृत छका के सिखां विच नवा धार्मिक जोश भरदे सन, ते दूसरे पासे आप सिंह सूरमियां दे जथे तैयार करके लोड़ समय मैदाने जंग विच जाके जयकारे बुलाउंदे सन। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जदों आनंदपुर छड्डन उपरंत वक्-वक् स्थानां राहीं हुंदे होए पावन अस्थान दमदमा साहिब तलवंडी साबो जिला बठिंडा विखे पहुंचे। इस पावन अस्थान ते बाबा दीप सिंह जी गुरु पातशाह जी दे चरणां विच जा हाजर होए। आप जी एक महान कीर्तनी ते एक वधिया लिखारी भी सन। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने आदि बीड़ की तैयारी का काम मुड़ आरंभ किया तां उस समय बाबा दीप सिंह जी दसम पातशाह दे हुक्म अनुसार लिखारी का काम करते रहे। गुरु पातशाह जी जदों दखन वल गए तां बाबा दीप सिंह जी नूं गुरु की कांशी दमदमा साहिब दे अस्थाना दे सेवा संभाल अते गुरबाणी पढ़न पढ़ाउण ते लिखवाउण दी सेवा लई नियत कर गए सन। बाबा दीप सिंह जी ने यह सेवा बहुत श्रद्धा ते प्रेम नाल निभाई। आप खुद गुरबाणी दे अभिलाषी अते रसिए होण करके विशेष दिलचस्पी नाल यह कार्य करदे अते स्थानक संगतां नूं सिक्खी तो जाणू करवाउंदे सन। इस समय दौरान ही बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं 4 बीड़ां दा अपने हत्थी उतारा कीता सी। कहा जांदा है कि भाई मनी सिंह जी दी शहादत तो बाद बाबा दीप सिंह जी ही वड्डे सिख विद्वान सन। 17वीं सदी विच समुच्चा खालसा पंथ जंगलां ते पहाड़ां विचों बाहर आके एक संगठित रूप विच एकत्र होया। खालसा पंथ दीआं समुच्चियां जथेबंदियां नूं एकत्र करके 12 मिसलां अंदर वंडिया गया, जिस ते 12 मुख जथेदार थापे गए। इन्हां मिसलां विचों ही एक मिसल दा नां सी शहीद मिसल। बाबा दीप सिंह जी इस शहीद मिसल दे मुख जथेदार सन। इस सदी अंदर भारत नूं विदेशी हमलावरां ने खूब लुटिया,
ते इथों दियां बहु बेटियां दी इज्जत नूं मिट्टी विच रोलिया। इस समय मिसलां दे जथेदारां ने मिल के इन्हां अफगाना ताड़वियां दा मुकाबला करना शुरू किया, जिस नाल भारत दा लुटिया बहु कीमती माल वापस दवाया जांदा रहा। सिखी परंपरा दा एक अनिखड़वा ते सर्वोत्तम पक्ष है कि किसे मजलूम ते गरीब दी रक्षा करना अते अन्याय विरुद्ध डट के पैरा देना। उस समय सिख पंथ ने सिखी दी इस महान परंपरा उपर बाखूबी अमल करदिया पैरा दिता अते मुगल ते अफगान ताड़वियां नूं पछाड़िया। अहमद शाह अब्दाली जो सिखां दे सख्त विरुद्ध सी अते सिखां नूं खत्म करन उत्ते तुलिया होया सी, अपने 1757 ईस्वी दे हिंदुस्तान दे हमले वेले दिल्ली जांदा होया कुछ देर लई लाहौर ठहरिया। उसने अमृतसर शहर नूं लुटिया अते शहर दियां इमारतां नूं उठाया। इस हमले समय अमृतसर शहर दे इंचार्ज जहान खान द्वारा श्री दरबार साहिब जी दी बेअदबी करन पवित्र सरोवर नूं पूर देन दी खबर जद बाबा दीप सिंह जी पास श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो दे स्थान ते पुजी ता आप दे दिल ते असह सट वजी। आप जी ने श्री दरबार साहिब दी पवित्रता भंग करन वालियां नाल टक्कर लैण दा फैसला कर लिया। आस पास दे नगरां ते टिकाणियां ते इतलाह दित्ती गई। वख वख नगरां तों अनगिनत सिंघ बाबा जी दी अगवाई विच पावन धर्म स्थान दी रक्षा लई हाजर होए। इस तरह दल खालसा दी गिनती अनगिनत हो गई। ब्यास दरिया पार करके सिंघां दा जथा माझे दे इलाके अंदर दाखल होया। तरन तारन साहिब दे पावन स्थान विखे पहुंच के सिंघां दे सारे समूह ने अरदास बेनती कीती। इस शहर तो बाहर आके बाबा दीप सिंह जी ने एक लकीर खिंची अते कहा कि जो शहीदी पाउण लई तैयार है ओ इस लकीर नूं पार करे, जेड़ा शहीद नहीं होना चाहुंदा ओ वापस चलिया जावे। सारे सिंह जयकारे गुजाउंदे होए लकीर पार करके अमृतसर वल वधन लगे। इधर जहान खान नूं भी सूहे राही पता लगा कि सिख उन्हां उपर हमला करन लई आ रहे हन। ये खबर सुन के जहान खान ने अपने सहायक अताई खान नूं सिखां उत्ते हमला करन दे आदेश दे दित्ते। जहान खान आप घोड़सवार फौज नाल लैके अमृतसर शहर तो बाहर गोहलवाड़ दे स्थान ते पहुंच गया, जिथे सिंघां ने अफगाना नाल टक्कर लई। अफगान सिंघां दा टाकरा ना कर सके, सिंघां दे अगे लग के मैदानों भज निकले। इन्हें नूं जहान खान दा सहायक अताई खान अपनी भारी फौज लैके आ पहुंचया, जिस नाल मैदाने जंग दी रूप रेखा ही बदल गई। इस कमसान दी जंग अंदर सिखां दा जानी नुकसान होना शुरू हो गया। सिंह एक एक करके शहीद होण लगे। इस युद्ध विच हौली हौली सिंह अफगाना नूं तकदे तकदे अमृतसर शहर दे बाहर वार चाटीविंड दरवाजे दे नेड़े गुरुद्वारा रामसर साहिब दे नेड़े पुज गए। बाबा दीप सिंह जी 8 शेर दा 2 तारा खंडा खड़काउंदिया वैरियां नूं सदा दी नींद सवाउंदे होए अगे वधदे जा रहे सन। उह सख्त जख्मी हो गए सन। अफगान दुश्मन दा एक कमांडर अमान खान अगे वधिया ते बाबा जी ते वार करन लगा। अगों बाबा जी ने भी वार कीता। इस सांझे वार विच बाबा जी ने उस मुगल कमांडर नूं थां ते ही खत्म कर दिता, पर इस नाल ही इन्हां दी धौन उत्ते भी एक घातक घाव लगा, जिस नाल बाबा जी दा सीस एक पासे उलर गया। बाबा जी ने अपने पवित्र सीस नूं हथ दा सहारा दिंदे होए लड़दे रहे अते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी परिक्रमा विच जा पहुंचे। इथों तक अपड़दिआं बाबा जी ने कई पठान ते अफगान मार मुकाए सन। इस तरह इस कमसान दी जंग अंदर अफगान जरनैलां दे मारे जाण नाल अफगानी फौज दे हौसले टुट गए ते बाबा दीप सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी परिक्रमा अंदर पहुंच के शहीदी प्राप्त कर गए। इस तरह बाबा दीप सिंह जी अते उन्हां दे साथी सिंह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दा जालमां तों बदला लैंदे होए अते धर्म ते कौम दी शान बदले अपनियां जानां कुरबान कर गए।
बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थान गुरुद्वारा रामसर साहिब दे नेड़े है, जिथे अजकल गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी सुशोभित है। श्री हरिमंदर साहिब जी की परिक्रमा विच जिथे बाबा जी ने सीस पेट किया सी, उथे भी पावन गुरुद्वारा साहिब सुभायमान है। बाबा दीप सिंह जी का वह दो धारा खंडा श्री अकाल तख्त साहिब के शस्त्रां विच संभाल के रखा गया है, जिस दे हर रोज शाम नूं संतां नूं दर्शन करवाए जाते हैं। धर्म प्राप्ति आपा कुर्बान करने वाले महान शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहादत सिख पंथ अंदर गुरु घर की हो रही बेअदबी नूं रोकण लई दित्ती गई एक महान शहादत है, जिहड़ी सानूं सारिआं नूं साडे पावन धर्म स्थान की दिख अते रहत मर्यादा नूं कायम ते बरकरार रखण लई उदों तों लैके हुण तक ही प्रेरदी रही है ते इह प्रेरदी ही रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।